वो बेटा जो कुछ दिनों बाद सहरा बांधने वाला था, वो आज तिरंगे में लिपट कर घर पहुंचा। शहीद कमल वैद्य की पार्थिव देह आज सुबह उनके पैतृक गांव पहुंची। शहीद के घर में शादी का माहौल गम के माहौल में तब्दील हो गया था। शहीद के परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। परिजनों को सांत्वना देने के लिए लगातार लोगों का हुजूम उमड़ रहा है। आज पूरे घुमाली गांव की आंखें नम हैं। देश के नाम अपनी जवानी को कुर्बान करने वाले 27 वर्षीय कमल वैद्य भारतीय सेना की डोगरा रेजिमेंट में तैनात थे। शहीद कमल वैद्य भोरंज उपमंडल के लगमनवी पंचायत के घुमाली गांव के रहने वाले थे। वो अपने पीछे माता पिता, बड़े भाई और दो बहनों को छोड़ गए हैं। जम्मू कश्मीर के पूंछ जिले में नियंत्रण रेखा पर एक विस्फोट के दौरान शहीद हुए हमीरपुर के कमल वैद्य का आज राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। पूंछ के मनकोट सेक्टर में आर्मी ऑपरेशन के दौरान एक माइन के विस्फोट होने से कमल गंभीर रूप से घायल हो गए थे। उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ही ले जाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। इस तरह अचानक जाकर 27 वर्षीय कमल अपने परिवार को सूना कर गए। भारत माता की जय। इनकलाब, इनकलाब, इनकलाब,
Thank you.